बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को 6 साल हो चुके हैं। दोनों ने 30 अप्रैल 2016 को शादी की थी। बिपाशा की यह पहली शादी थी जबकि करण की तीसरी। बिपाशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरियों पर इस तरह की फोटो शेयर की थी। बता दें कि बिपाशा काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। वे आखिरी बार 2015 में आई फिल्म अलोन में नजर आई थी। इसमें उनके अपोजिट पति करण सिंह ग्रोवर थे। करण से शादी करने वाली बिपाशा इंडस्ट्री में उनसे काफी सीनियर हैं। फिर चाहे एक्सपीरियंस का मामला हो या प्रॉपर्टी का, दोनों ही मामलों में बिपाशा उनसे कहीं आगे हैं। बिपाशा की प्रॉपर्टी पति करण सिंह ग्रोवर से 7 गुने से भी ज्यादा है। 2020 में बिपाशा की नेटवर्थ $15 मिलियन यानी करीब 111 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी तुलना में पति करण की प्रॉपर्टी $2 मिलियन यानी महज 14 करोड़ रुपए है। बिपाशा के पास फिलहाल कोई फिल्में नहीं है, लेकिन उनके पास कई मल्टीनेशनल कंपनियों के विज्ञापन हैं। इन्हीं के जरिए उनकी कमाई होती रहती है। इसके अलावा वे अन्य इवेंट्स से भी तगड़ी कमाई करती हैं। बिपाशा फिटनेस को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। वे रिबॉक, एरिस्टोकेट लगेज, फार डिओड्रेंट, गिली ज्वेलरी, कैडिला शुगर फ्री गोल्ड, हेड एंड शोल्डर शैम्पू समेत कई कंपनियों के एड कर चुकी हैं। इनमें से वे मोटी रकम कमाती हैं। बिपाशा के पास ऑडी 7, पोर्शे, फॉक्स वैगन बीटल जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनके पास मुंबई के पॉश इलाके में 2 घर भी हैं। इतना ही नहीं, उनके पास कोलकाता में भी 1 घर है। बिपाशा फिटनेस को लेकर काफी जागरूक रहती हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को इसके फायदे भी बताती रहती हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने लव योर सेल्फ ब्रेक फ्री नाम से DVD भी लॉन्च की थी। इसके अलावा बिपाशा कई स्टेज शो में भी काम करती हैं। इसके लिए वो करीब 2 करोड़ रुपए प्रति शो चार्ज करती हैं। बिपाशा 40 से ज्यादा मैगजीन्स के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं। बिपाशा के पास अब फिल्मों के ऑफर नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। वे एक फिल्म के 2 से 3 करोड़ रुपए तक चार्ज करती थी। बता दें कि बिपाशा तमिल और बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बात करण की करें तो वे सीरियल्स और फिल्मों के अलावा कई रियलिटी शो में काम करके अपनी संपत्ति बढ़ा चुके हैं। करण ने फियर फैक्टर, आइडिया रॉक्स इंडिया और जरा नच के दिखा जैसे शोज में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ विज्ञापनों में भी काम किया। करण ने रूपा फ्रंटलाइन, बनियान, ClearTrip.com और कजारिया टाइल्स जैसी कंपनियों के लिए ऐड किए। करण के पास एक ऑडी 7 कार के अलावा मुंबई के हाई राइज अपार्टमेंट में एक फ्लैट है। टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार करण ने MTV के शो कितनी मस्त है जिंदगी से करियर की शुरुआत की थी। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और उनकी संपत्ति में भी इजाफा होता गया। बाद में करण ने दिल मिल गए और GTV के पॉपुलर शो कबूल है में काम किया और शोहरत बटोरी। करण एक दिन के शूट के लिए करीब 80,000 रुपए चार्ज लेते हैं। तो गाइस, क्या कहना है आपको इस जोड़ी के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।